पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंतर्राष्ट्रीय मात दिवस पर भारतीय मानव कल्याण समिति ने मंडी समिति फाटक स्थित कुष्ठ रोगी आश्रम को कांटेदार तार कसी कराई, जिससे कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लगभग 20 परिवारों को सुरक्षा प्रदान हो सके। समिति प्रबंधक डॉक्टर टी एस पाल ने बताया कि कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लोग दिन भर घर घर जाकर भिक्षा मांग कर जीवन यापन कर रहे हैं। रात्रि को जब विश्राम हेतु कुष्ठ आश्रम पहुंचते हैं, तब कुछ असामाजिक तत्व जुआरी लोग रात्रि में 8 फुट ऊंची दीवार को फलांग कर इन्हें परेशान करते हैं तथा इन लोगों से पैसे बर्तन आदि लूट कर ले जाते हैं। कुष्ठ रोगियों ने कई बार सुरक्षा हेतु गुहार लगाई थी। समिति ने करीब 300 मीटर की कांटेदार तार कसी रविवार को पूर्ण करा दी। इस अवसर पर डॉक्टर टी एस पाल, मीनाक्षी सागर, डॉक्टर राजकुमार गोयल, रीता सिंह, शालिनी शर्मा, संगीता, देवेश, राजेश पाल, रेखा, शीला, किरण, अनिल शर्मा, मीराबाई, ज्योति, डॉक्टर प्रवीण, पंकज कुमार का सहयोग रहा। तो ये तार कसी कौन करा रहा है यहाँ पे? टीएसपी बाबू जी, डॉक्टर साहब, टीएस पाल साहब करा रहे हैं। अच्छा, किसी अधिकारी ने नहीं सुनी आपकी? ना, सिर्फ इन्होंने ही सुनी आपकी? ना, बेजी टोक से आए थे। अच्छा, आपको क्या चीज चुरा के ले जाते हैं वो लोग आते हैं? तो सब चीज ले जाते हैं। आटा पैकेट ले गई, कंबल ले गई, तेल का बोतल ले गई 500 वाली और सील वाली वो ले गई, और अठानी चुवानी सब झाड़ के ले गए। जो दिन भर आप मांग के लाते हो वो सब चुरा के ले जाते हैं? सब ले जाते हैं। आपने कहीं कंप्लेंट की? कंप्लेंट तो वही डीएम सब आए, चंदोसी वाले, गुलाब देवी भी आए, सभी आए और बेजे से भी आए। तो कोई हल निकला उसका? पूछना है, वो तो कार्रवाई करेंगे, फलाना करेंगे, कुछ ना है बाबू जी। अब कहा है आप? डॉक्टर टी एस पाल, ये अभी हमारी एक समिति है, भारतीय मानव कल्याण समिति, उसकी एक मेंबर्स हैं डॉक्टर रीता सिंह, उनके बेटे का बर्थडे था। जब यहाँ पर भोजन वितरित करने आई थी तो उनके साथ एक समस्या रखी गई थी कि दिन भर ये लोग घर घर जाकर मांग कर लाते हैं और शाम को चैन के नहीं सोना चाहते हैं, लेकिन रात को आश्रम में कुछ असामाजिक तत्व आकर इनकी नींद में खलल डालते हैं, इनसे लूटपाट करते हैं, इनसे अभद्रता करते हैं। तो इसकी शिकायत जब इन्होंने हमसे की तो हमने इनसे कहा कि हमारे लायक सेवा क्या हो सकती है। तो इन्होंने कहा जो बाउंड्री है 10 फीट की, उसके ऊपर से तारकसी कर दिया जिससे ये लोग अंदर नहीं आ पाए। तो समिति के हमारे लोगों ने ये विचार किया और इसीलिए ये तार की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ये प्रयास किया गया है इन्हें सुरक्षित रात्रि बिताने का।